अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है स्टैटिस्टिक्स में, वो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखो फर्स्ट का जो आपने टास्क किया स्टैटिस्टिक्स में, वो ये किया कि आपने डेटा को आइडेंटिफाई करके उसका कलेक्शन कर लिया। डेटा को आइडेंटिफाई किया, मेथड ऑफ कलेक्शन आपने देखा कि कौन सा लेना है, टाइप ऑफ डेटा देखे प्राइमरी है सेकेंडरी, उसका मेथड सेलेक्ट करके डेटा को कलेक्ट कर लिया। डेटा के कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपका क्लासिफिकेशन का, क्या डेटा को क्लासिफाइड किया जाए, यानी उसके ग्रुपिज्म किया जाए अब। ठीक है, तो वो कैसे होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए। आप जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी एक प्रोसेस है किस चीज़ की, डेटा को अरेंज करने की, डेटा को अरेंज किन में, ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी यहाँ पर उसको क्या करना है, अपने क्लासिफाई करना है ग्रुप में। फॉर एग्जांपल आपने जेंडर के बेसिस पे आपने अपने जो भी रेस्पोंडेंट्स उसको क्लासिफाई कर दिया, इनकम ग्रुप के भी यहाँ पर इनकम एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसके भी यहाँ पर आपने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपका एज ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका इनकम लेवल हो गया, आप जॉब की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी किसी आपकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के व्यापार पर सारे डेटा को क्लासिफाई कर दे। डेटा जब आपका होमोजीनियस होगा तभी आप उसको क्लासिफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के व्यापार पर उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं डेटा क्लासिफिकेशन करने के। मेन मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेटा है उसको अरेंज करना किसमें, ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पढ़ा है ना आपने। अब ये कौन कौन से बेस हो सकते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो हो गया आपका ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल मतलब एरिया के भी यहाँ पर, फॉर एग्जांपल भैया आप नॉर्थ में आते हो, आओ तब आप साउथ में आते हो, आप ईस्ट में आते हो, आप वेस्ट में आते हो, तो ये सब क्या हो आपका इसके बेसिस पे। आपने कहा कि आप इंडिया से हो, आप बाहर से हो, आप हरियाणा से हो, आप यहाँ से, यानी एरिया के भी यहाँ पर आप कैसे भी कर सकते हो। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, टेम्परेचर बेसिस हो सकता है, तो ये इस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो। तो ठीक है, एक आपके पास आया क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम पीरियड 1998 के, मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई 1990 से और 2000 तक की डेट ऑफ बर्थ वाले कौन है, 2000 से 2010 से वाले, 2010 से 20 वाले, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तीसरा आया क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव में क्या हुआ कि किसी क्वालिटी के व्याप पर आपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, कौन सबको आपको ऑनेस्ट लगता है, ऑनेस्ट का ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप क्वालिटी के व्याप पर कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका क्या हो क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक हो क्वांटिटी, क्वांटिटी के व्यापार मतलब किसी वेरिएबल्स के व्यापार आपने कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने इनकम के व्यापार कर दिया। ठीक है, आपने किसी के हाइट के व्यापार कर दिया, तो ये सब क्या हुआ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, जो आपकी मेजर नहीं हो सकती क्वांटिटेटिवली, और क्वांटिटेटिवली जिसको मेजर कर सकते हो न्यूमेरिकली, वो आपके क्वांटिटेटिवली है। तो मैंने कहा इनकम के व्यापार कर दिया, इसके व्यापार कर दिया, इस तरीके से आया बात समझ में। ठीक है, तो ये आपके क्या हुआ क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस होते हैं मेनली जो एग्जाम में आते हैं। अब एक और चीज़ आती है वेरिएबल। देखो वेरिएबल का मतलब क्या है इन द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज वेरिएबल। आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी तो वेरिएबल का मतलब कुछ और था, यहाँ जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो आप माइंड आप स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सोचेगा आपका। एंड व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैपेबल हो क्या डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में आप मेजर कर सकते हो, तो वो आपका वेरिएबल हो। ठीक है, वो क्या होगा आपका वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हाइट, हाइट किस में मेजर होती है, आपने देखा कि 5.5 इंच 5 फीट होती है, तो इस तरीके से जो आपके पास है ये वेरिएबल्स बन जाएंगे अपने आप में। इनकम है 10 रुपये, एक वेरिएबल बन गया, बात समझ में आई। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायरेक्टली आपकी क्वांटिटेटिव मेजर कर सके, वो आपका क्या होगा वेरिएबल हो। ठीक है, आगे समझ में। ओके, दूसरा होता है आप ये देखो, आपने सीरीज पढ़ी है, जाओ यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दे, मेजर कर दे, वो आपका क्या होगा वेरिएबल होगा। हाइट कर सकते हो, इंच आ गया ना,
समझे ना आप, रुपी ये सब आपके क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकते हैं, तो ये क्या होगा आपके वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है देखो इस तरीके से, एक तो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट का वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है खंडित, बिखरे हुए। मैं कहता हूँ कि 10 मैक्स वाले बच्चे कौन से हैं, 20 वाले, 30 वाले, तो ये क्या हुआ कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पूछ रहे हैं कि ये वाले कौन से हैं, तो ये क्या हुआ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट आपकी वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक रेंज होती है, मैंने ऐसे लिख दिया 0 से 10 कि भाई इस रेंज वाले बच्चे बताओ कौन से, एज वाले कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। एज एक वेरिएबल हो गया, उस रेंज में क्या आया, ठीक है, इनकम हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। देखो डिस्क्रीट में क्या था, ये 10, 20, 15, 17 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लिया आपने, और कंटिन्यूस में क्या है 0 से 10 एक रेंज देख लिया आपने, समझ में आ गया कॉन्टिन्यूस का, कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया पर्टिकुलर रेंज में क्या आया कॉन्टिन्यूस। नहीं उसमें नहीं है, उसमें इससे पूछा 10 वाले कितने बच्चे हैं, 20 वाले, अब इसमें 11 वाले इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, 11 के इंक्लूड नहीं है, 11 से 19 नहीं है, इसमें है, इसमें सारा का सारा 0 से 9 है, 10 से 20 है, जो भी है आपके पास, ठीक है। चलो एक आता आपका इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल में मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपके हमारे पास 3 है, ज्योति हमारे पास यहाँ पर जो ऑफलाइन में है, जैसे मुस्कान और जैसे आपका प्रीति, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके खुद के परसेंटेज कितने हैं बी कॉम में या एम कॉम में, तो आपने किसी ने कहा कि मेरे पास 70% है, मेरे का 80 है, किसी ने कहा 60% है, तो ये क्या हुआ परसेंटेज, ये तो ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ आपके पास, मतलब ये क्या इंडिविजुअल डेटा आप ले रहे हो, तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई, और इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना, जैसे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर एरे, क्या बोलते हैं ऑर्डर एरे, जैसे मैंने कहा कि हाईएस्ट परसेंटेज इसके हैं, तो इसको ऊपर लिख दे, फिर जे आ गया, फिर आपके पास पी आ गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर एरे, बात समझ में आ गई, इंडिविजुअल सीरीज में ही होता है, ऑर्डर्ड एरे होगा आपके पास, ठीक है। अब आया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 3 सीरीज समझ में आ गया आपको, वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल और इंडिविजुअल वेरिएबल, ठीक है। अब देखो आगे क्या आया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए इट इज ए स्टैटिस्टिकल टेबल, ये मैंने बना दी टेबल, ठीक है, क्या विच शोज The value of variables arranged in order of magnitude either individually or in group or also in corresponding frequency side by side. मतलब आप देखो 3 सीरीज बनती है आपकी, आप इसको लिख सकते हो मतलब 1, 2, 3 तीनों के अलग अलग ले लिया, मैं ये ले सकता हूँ 0 से 10, 10 से 20, मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है 30 कुछ भी लगा लो आप, ये कंटिन्यूस ग्रुप हो गया आपके पास, और एक मैं लिख सकता हूँ 10, 20, 30, ये 3 सीरीज हमने पढ़ी है, ये कौन सी है इंडिविजुअल, ये आपकी कॉन्टिन्यूस और ये आपकी डिस्क्रीट, 3 सीरीज है ना। तो अब इसमें मान लो आप लिख रहे हैं कि इसके भाई फर्स्ट रोल नंबर के 10 मार्क्स थे, इसके 15 थे, इसके 10 थे, इस तरीके से आपने लिख दिया। ग्रुप में आपको लिख दिया 0 से 10 वाले 5 बच्चे थे भाई, 10 से 20 वाले इसके 17 बच्चे थे, इसके 20 बच्चे थे, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। और ये 10 नंबर वाले बच्चे थे 5, 20 वाले थे 4, ये थे 2, ये हो गया डिस्क्रीट हो गया, बात समझ में आई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने देख लिया तो डिस्क्रीट है, एक ग्रुप में देख लिया तो कंटिन्यूअस है, इंडिविजुअली पूछा गया है तो आपका आपका इंडिविजुअल हो गया, जिसको आपने कहा ऑर्डर एरे, ठीक है। डिस्क्रीट आपको समझ में आ गया है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी का मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनना, मैं पूछ रहा हूँ आपके कितने परसेंटेज है, मैंने आपसे पूछा तो ये तो वहाँ इंडिविजुअल सीरीज, वन बाय पूछ रहे तो क्या हो गया इंडिविजुअल। मैं ये कहता हूँ कि भाई 50 से 60% वाले बच्चे कौन हैं, तो आपने कहा हमारे नहीं है, तो 0 फ्रिक्वेंसी होगी उसमें। मैंने कहा 60 से 70 वाले आप हो उसमें कोई, चलो मान लो एक बंदा आ गया जिसके एक आ गया, तो फ्रिक्वेंसी हो गई एक। मैंने कहा 70 से 80 के बीच में, तो आपने कहा हमारे 2 के हैं, तो आपने 2 लिख दिया। मैंने कहा 80 से 90 के बीच में, आपने कहा 2 बंदों के। मैंने कहा अबो 90 बोला 1 बंदे का, तो ये तो वह ग्रुप
डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टीन्यूस वाला, डिस्क्रीट वाला मैं आप एग्जैक्ट बोलूंगा, मैं बोला एग्जैक्ट 70% किसके हैं, तो एग्जैक्ट तो मे बी आपके किसी के ना हो, एग्जैक्ट पूरे 70 और हो भी सकते हैं, होने के तो हो भी सकते हैं ना, तो एग्जैक्ट 70 वाले पूछ लिया, एग्जैक्ट 80 वाले पूछ लिया, ये बेसिकली कहाँ होता है, जहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंटों पर ही बात होती है, जैसे आपका इसका CBSE का रिजल्ट नहीं आता है पॉइंटों में पूरा कि 9 point something दिस, इस उस केसेज में आपके आते हैं, आगे समझ में, ठीक है। अब देखो एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कैसे होता है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, 0 to 10, 10 to 20, इसको क्या बोला है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में अब इसकी ना मैंने कहा 0 to 10 की 20 बंदे हैं तो ये फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको फ्रिक्वेंसी, ये 0 to 10 ये क्या है आपकी क्लास इंटरवल, और ये जो मैंने लिखी एफ फोर फ्रिक्वेंसी 5, तो ये क्या हुई आपकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। बिल्कुल आप जीरो से पढ़ रहे हो, जो बिल्कुल बेसिक है आप समझ में आएगी आपको, ठीक है। एक आया आपके पास मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों का एल वन प्लस में एल टू, लोअर प्लस में मतलब जो आपके अपर है दोनों को ऐड करो, दो से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू आ गई, इसे 5, 15 इस तरीके से आएगी, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। एक आता है विड्थ, विड्थ का मतलब होता है कि इसकी रेंज क्या है, जैसे 0 to 10 इसकी विड्थ कितनी है 10 की है, आगे समझ में, आई फोर इंटरवल 10 का इंटरवल है तो मैग्नीट्यूड आया आपका 10 का, आगे समझ में, क्लियर है, ओके। उसके बाद ना एक ही आता है कि ग्रुप कैसे बनते हैं, एक ये फॉर्मूला बहुत बार रिपीट होता है प्रोफेसर स्ट्रेज का, कि आप कैसे नंबर ऑफ क्लासेस सेलेक्ट करोगे और कैसे आप आपकी क्लास इंटरवल सेलेक्ट करोगे। तो प्रोफेसर स्ट्रेज ने फॉर्मूला दिया था k इज इक्वल टू 1 + 3.322 log n, ये किसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला आपका सेलेक्शन किसका, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, ये फॉर्मूला बहुत बार रिपीट हुआ है। और साइज की अगर बात करें तो डिवाइड ऊपर ले आओ लार्जेस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये आ जाएगा आपका इंटरवल, ठीक है। कितने का गैप रखना है ये तो आ जाएगी, कितनी क्लास बनेगी, क्लास मतलब जैसे आपका 1000 का है तो 1000 पे जो वैल्यू है मान लो आई 80, तो 80 क्लास बनेगी आपकी, तो 80 में कितना गैप होगा वो ये बताएगा, आई वो समझ में। प्रोफेसर स्ट्रेज का फॉर्मूला 1 + 3.322 log n, और इंटरवल निकालना है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड में 1 + 3.322 log n। टेबल में गिवन होती है, ठीक है, लोग एन का मतलब एन जैसे कि 1000 है तो 1000 पे वैल्यू देख लो लोग की क्या है, ठीक है। और 1000 की वैल्यू निकालती वो आपको पता होगा कि आगे आके वो जीरो हो जाती है, तो लोग निकल भी जाता है निकालना चाहो तो, या टेबल से निकालो, 1000 की निकालोगे तो टेबल से काम करेगा आपका। देखो अब कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स देखो, देखो ये लिखा आपके पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एक तो ये सीरीज होती है आपके पास, ठीक है। एक आपके पास सीरीज है 0 to 9, 10 to 19, 19 to 29, 20 to 29, 30 to 39, ठीक है, एक ये सीरीज हो गई। हाँ भाई आपसे ये पूछा था ये कौन सी सीरीज है, सारी कंटिन्यू, देखो मेरी बात सुनो, एक 10 वैल्यू है फ्रीक्वेंसी आपके पास है 10, तो मुझे बताइए जो 10 है वो कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, दोनों में 10 है, हैं नीचे वाले में या ऊपर वाले में, आप बताओ, ऊपर वाले में लिखें, अच्छा इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये क्या करे, एक्स मतलब एक्सक्लूड करना और ये छोड़ेगा यहां से, तो 10 कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, 10 कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, बात समझ में आ गई आपको, एक्सक्लूड करेगा तो ये आएगा 10 to 20 वाले में, नोट यहां पर, ये तो क्लियर हो गया, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। मैं कहता हूं कि 9 कहां आएगा, क्योंकि आपको साफ क्लियर दिख रहा है यहां पर
कि ऐसे आएगा, 10 आएगा तो आपको अलग ही दिख रहा है कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई आपकी इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और वैल्यू आ गई आपके पास 9 पॉइंट, अब इसको कहाँ लिखूं, इस वाली सीरीज में, इसमें तो क्लियर है कि इसमें ही आएगी, इस वाली सीरीज में कहाँ लिखूं, ऊपर क्यों आएगी, वो तो 9 तक ले रहा है, दोनों में भी क्यों आएगी, वो तो 10 से स्टार्ट हो रही है, ये 9 पे खत्म कर रही है, एक का गैप आ रहा है, तो प्रॉब्लम आ गई। नीचे वाली तो 10 से स्टार्ट हो रही है, प्रॉब्लम आ गई। द प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, जब भी आपको इंक्लूसिव सीरीज और ऐसी वैल्यू दे रखी हो, पहला काम क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आपका कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू कर लोगे, और कैसे होगा, जो 0.5 है ना वो एक में तो क्या कर दो, ऐड कर दो, और एक में क्या कर दो आप, रेस्ट कर दो, बन जाएगी आपके पास। जैसे कैसे, ये 9 है ना, इसमें क्या करो 0.5 ऐड कर दो, और इसमें क्या कर दो, और बन गई ना 0 से 9.5, 9.5 से बन गई ना। अब आप आराम से बता सकते हो अब कहाँ आएगी, अब आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव समझ में आ गया। एक आया मिड वैल्यू, मिड वैल्यू की मतलब सिर्फ मिड वैल्यू दी होगी, लाइक जैसे कि 5, 15, 25 और आपका 35, तो ये क्या होगी आपकी मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है, आया समझ में। एक आपके पास आया ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसके एंड नहीं होते, जैसे कि लेस देन 5। अब लेस देन 5 तो आप माइनस में कितने ही तक चले जाओ क्या पता लगता है, और लिखा अबाउट 10 तो बहुत ज़्यादा काउंटिंग है, मोर देन जिसमें लिख रखा मोर देन 20 तो कितनी होगी, कितनी भी हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ आपका ओपन एंडेड सीरीज, ठीक है। मिड वैल्यू कन्वर्ट करना क्या, पहले वैल्यू उसको उसमें बना लो आप, जैसे 5 है ये क्या आपकी मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू को आप कैसे निकला था, मिड वैल्यू निकली थी आपकी लोवेस्ट प्लस में डिवाइड में 2, फिर आपकी निकली थी मिड वैल्यू, है ना। अब इसमें क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो ये से आपने 2 से 5 आया, तो ये क्या है आपका 10 आया, ठीक है, ये क्या है आपका 10 आया। 10 में आप क्या करो, एक वैल्यू तो ऐड कर लो, जिससे कि इसका जैसे आपने क्या करना है कि एक तो देखो आई डिवाइड बाई 2, इंटरवल जो आया ना, इंटरवल आपका 10 आ गया, और इस जो 10 इंटरवल है इसको 2 से डिवाइड कर लो, जैसे 2 कर लिया, और उस मिड वैल्यू में एक में तो प्लस कर दो और एक में माइनस कर दो। जब 5 - 5 क्या आया 0, और 5 + 5 क्या आया आपका 10, तो क्या बन गया आपका 0 से 10 बन गया। 15 आया, 15 में आपका इंटरवल क्या था 10, 15 में मतलब 10 इंटरवल था, प्लस 5 ऐड कर देंगे तो 20 हो गया, और माइनस 5 ऐड कर दी तो 10 आ गया। आ रहा समझ में, देखो आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू है ना, जैसे आपकी मिड वैल्यू थी, मिड वैल्यू में लोअर लिमिट निकालनी है तो ऐसे करो, इंटरवल माइनस में 2, और अपर निकालनी है तो मिड वैल्यू प्लस में इंटरवल डिवाइड में 2। अब देखो मिड वैल्यू जो थी आपके पहले केसेस में 5 थी, इंटरवल कितने का है 10 का, तो 10 डिवाइड में 2 तो कितना आया 5, तो 5 - 5 क्या आया 0, तो ये तो लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट निकालनी है तो 5 + 5 तो ये क्या आई आपकी 10, तो पहली जो रेंज आई वो आपकी आई 0 से 10। आया समझ में, नहीं आया, मिड वैल्यू दे रखी है, ऐसे देखो, रुको ऐसे देखो आप, आपके पास ये दे रखी है कि एक मिड वैल्यू सीरीज दे रखी है। मिड वैल्यू सीरीज कैसे दे रखी है, मिड वैल्यू सीरीज दे रखी है आपकी 5, 15, 25 और 35, और उसके बाद आपको ये भी दे दी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इस तरीके से है 7, 2, 11, 13, ये दे दी आपको। ये मिड वैल्यू निकालने से पहले आपको ये निकालनी है सीरीज कैसी है। तो देखो आपको फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या है फॉर्मूला, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, लोवेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट निकालनी है, तो लोवेस्ट निकालनी है ना, तो आप सिंपल सा करो, जो भी आपकी मिड वैल्यू है उसमें से इंटरवल को 2 से डिवाइड कर लो एवरेज, तो ये लोवेस्ट आ जाएगी, और अगर हाईएस्ट अपर निकालनी है तो मिड वैल्यू में से प्लस कर दो, इंटरवल डिवाइड में 2,
मिड वैल्यू आपकी देखो साफ दिख रहा है, इसका इंटर जो गैप है वो टेन का यहाँ पे भी दिख रहा है, वैसे भी निकलेगा, ठीक है, फॉर्मूले से भी निकल जाएगा कि टेन आएगा। तो ये आप क्या हुआ, फाइव माइनस में टेन डिवाइड में टू, तो क्या आया फाइव माइनस में फाइव, तो ये क्या आया जीरो, तो ये क्या बना आपका जीरो, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो वही आपका मिड वैल्यू फाइव प्लस में टेन डिवाइड में टू, तो क्या आया फाइव प्लस में फाइव, तो क्या आया टेन, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी टेन आ गई। इसी तरीके से इस केस में कर सकते हो, फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फाइव तो कितना आ जाएगा टेन, और फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी, तो इसी तरीके से ये हो गया आपके पास ट्वेंटी, और ये समझ में आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी निकल जाएगा, क्लियर हो गई आपकी कैसे कन्वर्ट होती है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सब क्लियर है, ये वाली सीरीज क्लियर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी है कि कौन कौन सी ये कौन सी सीरीज होती है, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, ये इंक्लूसिव सीरीज है, ये ओपन एंडेड है, ये मिड वैल्यू होती है, और एक आपके पास हुआ क्या एक कम्युनिटी और होती है। कम्युनिटी में क्या होता है, इकट्ठा होकर चली जाती है वैल्यू। देखो ऐसे फाइव से टेन की थ्री फ्रिक्वेंसी थी, टेन से फिफ्टीन की एट थी, तो ये होगी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। ये क्या थी, ये तो देखो क्या हुआ क्लास इंटरवल हो गया ना, है ना, ये क्या हुई आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हुई कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। बात समझ में आई आपको, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लिख लेना अपने नोट्स में इसको सी एफ और एफ, ठीक है, थ्री प्लस में एट प्लस में थ्री, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो ये क्या हुआ आपकी क्यूमुलेटिव सीरीज हो गई, ठीक है। तो ये था आपका क्या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा, इस तरीके से प्रेजेंटेशन कल करेंगे।